बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में 2 लोगों की मौत झुलसने से हुई, तो वहीं 1 की मौत गिरने से हुई है। बड़ी जानकारी बिहार के सिवान से आपको दे रहे हैं, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ, दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की दरअसल कार में जलकर मौत हो गई, तो तीसरे की बिजली के खंभे से ये कार टकराई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत की जानकारी। तो बिहार के सिवान में यह दर्दनाक हादसा हुआ है, हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। परिजनों को सूचित किया जा चुका है, फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है, मामले की जांच पड़ताल की गई, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिजली के खंभे से दरअसल ये कार जाके टकराई थी। बिहार के वैशाली से सड़क हादसे की दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो बिहार के वैशाली में यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, इसमें 8 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। ट्रक ने 8 लोगों को रौंद दिया। हालांकि इस पूरे हादसे पर पीएम मोदी ने भी शोक जताया है, परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और मुआवजे का ऐलान किया गया। असल में यहाँ एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे चल रहे लोगों को रौंद दिया, जिसके बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। दर्दनाक सड़क हादसे की खबर मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक में ही फंस गया। इस दौरान ट्रक को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर था, क्योंकि बेकाबू ट्रक दुर्घटना के बाद पूरी तरीके से डैमेज दिखाई दिया। घटना देर रात रविवार की है। आरोप है कि हादसे के वक्त ट्रक चालक नशे में था, जिसकी वजह से तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क पर चल रहे लोगों को रौंदते हुए गुजर गया। बताया जा रहा है कि मरने वाले में बच्चे भी शामिल हैं। वहीं हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को ट्रक के नीचे से निकाला और वहां मौजूद लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे पर पीएम मोदी ने शोक जताया, साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट करके शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की घोषणा की और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया।